Hello friends, welcome to the CGL Aptitude Parsala. I am Nitish and I am gonna share my IBPS RRB PO strategy. As you all know, I have cleared RRB PO last year and joined Patna Bank as a officer. ये तो रहा मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो आपको यूट्यूब के सभी स्ट्रेटजी वीडियो में कॉमन मिल जाएगा. बट इम्पॉर्टेंट ये है, हमें किसी का भी वीडियो देखना सुनना नहीं है, हमें अपना इंट्रो खुद बनाना है. और किस तरह से हम इस बार के आरआरबी क्लियर करेंगे उस एक छोटी सी स्ट्रेटजी है जो मैंने लास्ट ईयर अप्लाई करूँ. उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भी अप्लाई करेंगे तो ज़रूर सक्सेस होंगे. ये खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए है जो हमारे नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं. नॉर्मल ग्रेजुएट्स का मीन्स हमारे जो बीए हैं आर्ट साइड से, या हमारे बीकॉम हैं कॉमर्स साइड से, या हमारे क्या हैं बीएससी है. मैं इनको ऑर्डिनरी ग्रेजुएट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके पास कोई भी प्रोफेशनल्स चीज़ें नहीं हैं जिससे ये अपना प्राइवेट सेक्टर पे कुछ सैलरी अर्न कर सके. हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ बीएस हैं जो नेट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अगर उसके अलावा सेक्टर की बात करते हैं तो हमारा बैंकिंग सेक्टर है. और मैं बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आर्ट्स का एक कॉमन मैन बैंकिंग की तैयारी नहीं कर सकता है या बैंक नहीं क्वालिफाई कर सकता, तो आपके लिए सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है अरुंधति भट्टाचार्य का. ही इज़ अ नॉर्मल बीए ग्रेजुएट्स एंड नाउ यू ऑल नो व्हाट शी इज़. अगर बात करेंगे बीकॉम की, उनका बैकग्राउंड ही बैंकिंग का होता है, और बीएससी, ये तीनों के तीनों मैं इन्हें ऑर्डिनरी ग्रेजुएट समझता हूँ. इसलिए मैं आप सभी लोगों से, जितने भी बीए बीकॉम या बीएससी ऑर्डिनरी ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए छोटी सी स्ट्रेटजी है, अगर इसको अप्लाई करते हैं तो ज़रूर सक्सेस होंगे. चलिए आरआरबी पीओ के मैथ की बात करते हैं. तो हमारे पास 45 मिनट्स होंगे जिसमें 25 मिनट्स मैथ को देने हैं और 20 मिनट्स रीजनिंग को देने हैं. 25 मिनट्स में हम क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अप्रोच कर सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा जो आप पॉसिबल है और कर भी सकते हैं. देखिए, सीरीज़ की बात करेंगे तो सीरीज़ लास्ट ईयर मॉडरेट आई थी. मॉडरेट का मीन्स 5/4 आपकी 3 हो जाएगी, जो कि आपको देखते ही देखते हो जाएगी, और जो 2 है उसमें आपको टाइम लगेगा. बट क्या हुआ था लास्ट टाइम पे, इन 2 पे ही अगर आप स्टक हो गए तो आपका टाइम भी जाएगा और आपको इन 2 नंबर के चक्कर में आपके लास्ट के 3-4 नंबर चले जाएंगे. तो इस वजह से हम पहले 5/3 करके निकल जाना है फर्स्ट राउंड पे. सेकंड राउंड पे आएंगे तो देखा जाएगा. सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे, ये तो एज पॉसिबल एज अर्ली आपको करना है, बट 5/5 करने हैं पूरे के पूरे. इनइक्वलिटी की बात करेंगे, इनइक्वलिटी आपको पता है x²-x+3=0. तो इनइक्वलिटी इस टाइप की आएगी, उसको बेसिक मेथड से नहीं करना है, माइनस प्लस प्लस माइनस से करना है. यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, हमारे चैनल पे भी वीडियो अपलोड होंगे, अगर आप उसको देखते हैं तो उससे आपको ये 5 मिनट्स में आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे. तो ये भी इजी है, ये भी आपको 5/5 करनी है. डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए रेडी हो जाइए क्योंकि इस साल डाटा इंटरप्रिटेशन का क्लास आने वाला है. इसमें 3 टाइप होंगे, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट. इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट. तो हमें करना क्या है कि अगर हमारे टेबुलर पाई और बार ग्राफ आ रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि पाई टफ लगती है, मतलब बार पे हम बार को पहले हम टच करेंगे या टैबलेट टच करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं. हम कह नहीं सकते कि बार इजी आएगा, पाई इजी आएगा, टैबलेट इजी आएगा. आपको 3 DI में से खुद फाइंड आउट करना है कि इजी कौन सी है, मॉडरेट कौन सी है आपके लिए, और डिफ़िकल्ट कौन सी है. तो आपको इजी अटैम्प्ट करने हैं, मॉडरेट के 2-3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिएगा, और डिफ़िकल्ट तो छूनी भी नहीं है. तो अगर आप ऐसा भी करेंगे तो पूरे 15 out of 7-8 मार्क्स गेट कर सकते हैं ईजिली. स्किपिंग रूल के अकॉर्डिंग चलते रहना है. अगर हम बात करेंगे मिसलेनियस की बात करेंगे, तो जो हैवी चैप्टर हैं, जैसे कि हैवी चैप्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम बात करेंगे एसएससी में प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, रेशियन दूध पानी और पार्टनरशिप, ये सब ऐसे हैं कि इनके जो क्वेश्चंस हैं इनमें बहुत ही अच्छा क्लास आता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं. बैंकिंग में नॉर्मल जो एवरेज है वो एवरेज ही आ रहा है. मीन्स आपको कुछ लिमिटेड क्वेश्चन हैं, उसी क्वेश्चन में से ही आ रहे हैं, तो अगर आप एवरेज सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन मैं आपसे कहूँगा ये 10 नंबर आपको एकदम लास्ट में उठाने हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप इतने को ही अटैम्प्ट कर लेते हैं, यही आपका पूरा का पूरा 30 मार्क्स का है. 30 आउट ऑफ अगर आप इसमें 23 भी ले आते हैं तो दैट्स इनफ, आपको इधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है. हाँ, अगर आप मैथ में स्कॉलर हैं तो मेरे हिसाब से आपको फिर DI आपको छोड़नी पड़ेगी, और आप फिर क्या करिएगा, इसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा अगर आप मैथ में स्कॉलर हैं तो. अगर नहीं है, आप नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं, अगर मैथ आपकी बिल्कुल ही नॉर्मल है, तो बिल्कुल भी आपको ये 10 नंबर
बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग यही 10 नंबर्स होते हैं, और सबसे कम टाइम टेकिंग ये सीरीज सिंप्लीफिकेशन इक्वलिटी और DI होती है। और लास्ट ईयर जिनका भी प्री निकला था सबकी एक ही स्ट्रेटजी थी, उन्होंने इन्हीं चार चीज़ों पे ही कॉन्सेंट्रेट किया था, क्योंकि ये आपका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस है, और कैलकुलेशन मोस्टली आप प्रैक्टिस से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मिसलेनियस के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। तो 40 आउट ऑफ अगर आप अच्छा अप्रोच करते हैं तो 23 टू 25 भी अटैम्प्ट कर लेंगे। और 23 टू 25 में अगर मैथ में तो सबसे बड़ी आपकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है कि 23 25 आपने अटैम्प्ट करें हैं तो इसमें एक्यूरेसी फुल आउट ऑफ फुल 100% होनी चाहिए। अगर मैथ में आपकी एक्यूरेसी 99% है, इट मीन्स LOP, LOP मीन्स लैक ऑफ प्रैक्टिस। चलिए RRBPO के रीजनिंग की बात करेंगे। तो रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम सब लोग को लगता है हम सभी के सभी महारथी हैं, बट होता है क्या है, एग्ज़ाम टाइम पे अगर एक भी पजल में थोड़ा सा भी टाइम लगता है तो हमारे पसीने निकल आते हैं। तो इस पसीने से कैसे बचेंगे, चलिए देखते हैं कि क्या होता है कि हमें लिमिटेड क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और हमारे पास आपको पता है टाइम भी बहुत ही लिमिटेड है। रीजनिंग में हमको 20 मिनट से एक्स्ट्रा नहीं देना है, 20 मिनट्स ही देने हैं। फिलॉक्स और स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, देखिए पूरा पेपर आता है तो हम कुछ लोग स्टार्टिंग से ही पजल करने लगते हैं, उन्हें लगता है ये 15 नंबर इंपॉर्टेंट है इन्हें कर लो तो ये पजल से ही आपको पास कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें मार्क्स लाने हैं, हमें उनको अपनी अपना उनको टैलेंट नहीं दिखाना है कि हमें पजल कितनी टफ आती है। चलिए हमें क्या करना है, पहले सिलॉक्स की बात करेंगे, मॉडरेट आया था तो ये 5 out of 5 सिलॉक्स आ जाएगी। हाँ, और प्री में हमारा रिवर्स सिलॉक नहीं आएगी, कुछ लोग का माना रिवर्स सिलॉक आई थी लास्ट ईयर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्री में नॉर्मल सिलॉक आएगी, और नॉर्मल सिलॉक बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। इनइक्वलिटी की बात करेंगे, इनइक्वलिटी बहुत ईजी आई थी लास्ट टाइम, 5 out of 5 हो जाएगी, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ब्लड रिलेशन 2, माता पिता बहन का भाई सब हो जाएगा, इजी आया था। डायरेक्शन 3 out of 3, एक छोटी सी पजल आएगी उसको आप बना लोगे, मुश्किल से ये 1.5 या 2 मिनट लगेगा आपका बन जाएगा, और उससे 3 क्वेश्चन निकल आएंगे। और हाँ, हम अभी हमने पीछे देखा था, हमने मैथ में मिसलेनियस छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मिसलेनियस पे हाथ मारेंगे, क्योंकि अगर मिसलेनियस हम कंप्लीट करते हैं और अगर हम पजल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं तो 10, 13, 15, 20, 25 मार्क्स हम ऐसे ही ले आएंगे बिना पजल को छुए। हाँ, और रही बात पजल की, तो पजल में भी 3 वही सेम चीज़ें, ईजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। तो हमें क्या है कि नॉर्मल पहले इजी उठानी है, मॉडरेट करनी है, डिफ़िकल्ट एकदम लास्ट में जब सेकंड राउंड पे आएंगे, तब सेकंड राउंड पे कैसे आना है वो आपको पता चल जाएगा, कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, कि आपको इतना भी ये ज़रूर याद रखिएगा आपको पूरा का पूरा पेपर एक बार अटैम्प्ट करने के बाद दूसरा करना है। अगर आप 80 क्वेश्चन पूरे लुकआउट नहीं करते हो तो आप फेलर हो, ये आप मान लो। आपको फुल आउट ऑफ फुल 80 क्वेश्चन देखने ही देखने हैं, भले आप पूरे 80 स्किप कर दो, बट आप देखो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर आप देखते भी हो तो आपका काफ़ी क्वेश्चन आप देखते देखते सॉल्व कर लोगे, इसलिए देखना तो मस्ट है। चलिए, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट आएगा। और लास्ट ईयर 4 पजल आई थी, एक फ्लोर बेस्ड थी, एक लीनियर थी, और एक स्क्वायर थी, और एक हमारी आई थी नॉर्थ साउथ की, किसी एक पेपर में नॉर्थ साउथ की आई थी, और एक पेपर में यही पजल को उन्होंने डेज वाइज पजल कर दी थी, संडे मंडे उस टाइप की। तो अगर हम 40 आउट ऑफ इसमें, तो आपका 20 मिनट्स में मैं आपको पॉसिबल बता रहा हूँ, आपको 40 आउट ऑफ आपका कुछ नहीं तो 30 तो ईजिली आ जाएगा, 40 आउट ऑफ आपका 30 20 मिनट्स में आराम से आ जाएगा, जब आप पजल नहीं छूते हो तो। मिसलेनियस में आप चाहना तो एक दो छोड़ देना अगर आपको जिसमें प्रॉब्लम हो, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेटेड न्यूमेरिकल जिसमें आपको टफ लग रहा हो। हाँ, और एक चीज़ तो अच्छे से याद रखनी है कि चाहे रीजनिंग हो, मतलब PO हो या क्लर्क हो, अगर आपसे पूछा जाएगा O, N, D, E से कितने लेटर बन सकते हैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं छूना है, क्योंकि ये एट द टाइम आप कभी भी सही नहीं कर सकते हो। अगर आप सही करके आओगे फिर फ्रेंड को बताओगे यार O, N, D से तो डन बन रहा था यार, हमने बना दिया यार, फिर वो कहेगा नहीं यार O, N, D से यार नोट भी बन रहा था तुम्हें पता, तो तुम लोगों को हाँ यार नोट भी बन रहा था। तो इस वजह से इस पे थोड़ा सा इसको स्किप करेंगे, क्योंकि एक नंबर भी आपका गलत होगा तो लास्ट ईयर अभी कट ऑफ से एक नंबर भी जिनका लास्ट ईयर रह गया होगा उनसे पूछिए एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रहा हमारा, चलिए अब बात करेंगे कट ऑफ की। और यहाँ पर आपको सारे के सारे जनरल कट ऑफ ही
सारे स्टेट के शो कर होंगे, क्योंकि जनरली जनरल का कट ऑफ ही सबसे हाईएस्ट होता है, उसके हाईएस्ट किसी का कुछ है नहीं। और हाँ, अगर हम एसटी हैं, हम एससी हैं, हम ओबीसी हैं, और हम तीनों लोगों को एज अपने आप को जनरल कैंडिडेट मान के ही प्रिपरेशन करनी है। अगर आप ये सोचते हो आप एसटी हो आपका कट ऑफ इतना जाएगा, आप यूजली हैंडीकैप हो आपका कट ऑफ इतना जाएगा, तो ऐसा अगर आप सोच के तैयारी करते हो तो आपका लास्ट सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ऐसे तैयारी करनी है एज अ जनरल कैंडिडेट, और जनरल कैंडिडेट को एज ए आईआईटीएंस होकर तैयारी करनी है। चलिए देखते हैं, सबसे कम कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो वो गया था हमारा लास्ट ईयर कर्नाटक का 40, और सबसे हाईएस्ट की बात करेंगे, सबसे हाईएस्ट ये है हमारा कहाँ का, पंजाब का। कोई अगर कहता है कि पंजाब में डोप शोप चलता है, तो आप यहाँ से कट ऑफ देख सकते हैं कि पंजाब वाले पढ़ने में भी कितने टैलेंटेड हैं। चलिए देखते हैं, अब बात करेंगे कि हमारा क्या है लास्ट ईयर। कुछ इस साल कुछ लोगों का मानना है कि हमें 55 अटैम्प्ट करने हैं, कुछ नहीं तो 58 अटैम्प्ट करने हैं, 60 अटैम्प्ट करने हैं, 50 प्लस मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर आप प्रिडिक्ट होकर जा रहे हो कि आपको इतना मार्क्स करना है, तो इम्पॉसिबल है कि आप उसको क्वालिफाई कर लो, क्योंकि एवरी ईयर आपका एग्ज़ाम डिफरेंट होगा और हर साल आपका कट ऑफ चेंज होगा। और ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस बार कट ऑफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। हाँ, जब अभी PSTO फर्स्ट टाइम प्रीलिमली हुआ था तो उसका ईजी, बहुत ईजी पेपर हुआ था, उसके बाद उसका टफनिंग लेवल बढ़ता चला गया, उसका कट ऑफ डाउन होता चला गया। एज इट इज जिनका फर्स्ट टाइम था RRB, इस वजह से उन्होंने पेपर थोड़ा सा लूज दिया और कट ऑफ इतने हाई गए। हाँ, इस बार उम्मीद करते हैं कट ऑफ लास्ट ईयर से नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा आएगा। तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, हाईएस्ट कैंडिडेट यहाँ से आते हैं 52.25 यहाँ पर गया है। दूसरा आता है हमारा कहाँ से, दूसरा हमारे आते हैं राजस्थान से, जहाँ पे गया 52.75। और उसके बाद हमारा एक और हमारा स्टेट है, वो स्टेट कहाँ गया, हमारा बिहार 49.5। और जहाँ बिहार मोस्ट हाईएस्ट यहाँ से निकलते हैं, वहाँ पे 49.5 गया है। और सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल तो पंजाब का ही था, 57.25 कट ऑफ गया। सो इस बार प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, लास्ट ईयर का कट ऑफ था। अगर आपको जितना आता है, अगर आप उतना ही करते हो, तो आप श्योरली है कि आप कट ऑफ स्कोर कर लोगे। जितना आता है अगर आप उतना ही, और जितना आता है उसका एक भी क्वेश्चन छूटा, तो आप सोचना भी नहीं कि आप दौड़ में शामिल हो। तो ये तो रहा नॉर्मल कट ऑफ, बाकी आपके सारे स्टेट के हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से तो 46.5, उत्तराखंड 52.75, तमिलनाडु 45, J&K पत्थरबाजों के स्टेट में भी 50 मार्क्स आए हैं कट ऑफ। और बात करेंगे असम 45.25, गुजरात 41.25, केरला 99, अप्रॉक्स 100% लिटरेसी है जहां पर 55.5% गया है, 55.5% कट ऑफ वहाँ पर आया, 55.5। MP 50, MP में भी 50 है, हरियाणा 56.25। तो इससे ये नॉर्मल है, हमारा मोस्टली 50-55 के बीच में ही सारे के सारे कट ऑफ गिरे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम नॉर्मल भी करते हैं ना, नॉर्मल अगर अपना पेपर भी करते हैं तो भी निकल आएगा, हमें ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और अगर आपकी एक्यूरेसी, मैं हमेशा कहता हूँ एक्यूरेसी आपको 100% रखनी है। तो ये तो रहा RRBPO का पूरा एनालिसिस, और थोड़ी सी स्ट्रेटजी अगर आप ऐसा अटेम्प्ट करते हो तो आप जरूर क्वालिफाई कर लोगे। RRB क्लर्क मैथ की बात करते हैं, ऑफिस असिस्टेंट की। लास्ट ईयर कैंडिडेट्स ने तो इसके साथ चमत्कार कर दिया था, इसके पेपर के साथ, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा लूज पेपर दिया और लोगों ने 80 out of 78, 79, 80 out of 80 अटैम्प्ट करे। हाँ, मार्क्स कितने आए ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अटैम्प्ट उन्होंने इतने किए। चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या अटैम्प्ट करना है। सीरीज 5 out of 5 आई थी, इसमें कुछ भी स्किप करने वाले नहीं था। सिंप्लीफिकेशन 10 out of 10, एक भी नहीं छोड़ना। अप्रॉक्सीमेशन 5 out of 5। डाटा इंप्रेशन बहुत ही ईजी आया था, आंखों आंखों में हो रहा था, 5 out of 5। हाँ, मिसलिनियस के 15 out of 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें टाइम लगा था, और 11 क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, जिसमें कि आपका एवरेज बोर्ड्स एंड स्ट्रीम और टाइम एंड वर्क, एवरेज तो अगेन है, दो क्वेश्चन आए थे एवरेज के, एवरेज एंड परसेंटेज और पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, इनसे रिलेटेड जितने भी थे, तो 15 आउट ऑफ 11 बहुत पॉसिबल थे। हाँ, सीरीज़ अगर आप RRBPO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 5 out of 3 अगर उसमें करते हैं तो आप इसमें इजीली 5 out of 5 कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन तो 10 out of 10 करने ही करने हैं, अप्रॉक्सीमेशन 5 out of 5 करने ही करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन 5 out of 5 करने ही करना है। आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, इसमें आपका क्वाड्रेटिक नहीं पूछा गया था लास्ट ईयर, तो होप है इस बार क्वाड्रेटिक आ सकता है, क्वाड्रेटिक के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर आता है तो उसको 5 out of 5 कर देंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया कि कम से कम आपको इसके कितना टाइम देना है, 25 मिनट का टाइम देना है। 25 मिनट में ये आपका पॉसिबली, जैसे प्रियो में हम बात कर रहे थे 23, तो इसमें आपका 30 ईजिली हो जाएगा। 25 मिनट में आप इजिली इसमें 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं।
हाँ, और इसके इसमें आप ये देखेंगे कि मोस्टली ये सारी सारी चीज़ें किसके बेस्ड हैं, सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेशन बेस्ड हैं, सारी की सारी चीज़ें। और कैलकुलेशन कहाँ से करना है, मैंने आपको लास्ट में लिंक दे रखा हुआ वीडियो के, बहुत ही यूएस का फेमस गेम है, अगर आप उसको अटैम्प्ट करते हैं तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये तो रहा आरआरबी क्लर्क के मैथ का थोड़ा सा स्ट्रेटजी किस तरह से करनी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ पहले सीरीज उठाएंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डाटा मिशन, और लास्ट में कहाँ पर जाएंगे, मिसलेनियस। याद रखेंगे मिसलेनियस बिल्कुल लास्ट में उठाना है, पहले ये चार चीज़ें, ठीक है, पहले का को तोड़िए फिर दूजा दीजिए भाग। तो वही चीज़ है, पहले ये चार चीज़ें करनी हैं, उसके बाद हमें कहाँ पर जाना है, मिसलेनियस में जाना है। आरआरबी क्लर्क रीजनिंग की बात करेंगे, तो रीजनिंग का पेपर लास्ट ईयर ऐसा आ ही गया है कि सबने आपको पता ही कि उसके साथ चमत्कार कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का क्या हुआ, रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 33 या 32 या 30 तक मार्क्स आए। अगर लास्ट ईयर की में रीजनिंग में आपके 30 मार्क्स आए, इट मीन्स मार्क्स थोड़े से कम हैं। लास्ट ईयर की रीजनिंग 40 आउट ऑफ 40 थी, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है 40 आउट ऑफ 40 कर सकते हो। दो एक दो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो अल्फा न्यूमेरिक के जो रिलेटेड टू मीनिंग या वर्ड से होते हैं। होना क्या है कि जैसे सिलॉक्स की बात करेंगे, तो सिलॉक्स आपकी लास्ट ईयर की तरह 5 out of 5 बहुत ही ईजी आई थी, 2 statement थे और 2 conclusion, कोई भी डिफिकल्ट नहीं था। पजल्स मैं आपको हमेशा की तरह बोलूँगा आपको लास्ट में ही उठाना है। इनइक्वलिटी 5 out of 5 सीधा सीधा क्वेश्चन था, 3-3 के सेट थे, आराम से हो रहे थे। डायरेक्शन एंड वेरिएशन क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये तो बहुत ही ईजी था कि 5 out of 5 आपका हो ही जाएगा। हाँ, लास्ट ईयर ब्लड रिलेशन में कुछ लोग को दिक्कत हुई होगी, अगर हुई होगी तो डायरेक्शन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 out of 5 होते तो हैं, बट इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है कि 1 or 2 क्वेश्चन एवरेजन सबके गलत हो जाते हैं। तो हमें ये गलत नहीं करने हैं, क्योंकि हमें अगर हमने यहाँ पर 38 अटैम्प्ट करे हैं तो हमारी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स भी 38 आने ही चाहिए। मिसलेनियस बात करेंगे तो उसमें मिसलेनियस में सारे हो जाएंगे, मिसलेनियस रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मिसलेनियस तो सारे ईजी थे, तो ये भी 10 out of 10 था। ये मैंने आपसे बोला कि अगर आप ये 10 number छोड़कर ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हो तो आप 30 question आराम से आप 15 minutes में कर लोगे। हाँ, आपको लग रहा होगा 15 मिनट में 30 question पॉसिबल ही नहीं है, सब पॉसिबल है, क्योंकि जैसा पेपर आया था बहुत ही ईजी पेपर था, सबने 15 मिनट में कम से कम 30-31 क्वेश्चन कर रखे हुए थे। हाँ, और आपको वैसे ही पता है जब आप 25 मिनट्स ऑलरेडी मैथ में दे चुके होते हो तो आपको इसमें बचता है 20 मिनट, और 20 मिनट में आपको करना है। अगर आप 15 मिनट में 30 question कर लेते हो, मींस एवरेज 1 मिनट में आपको 2 question, और एक सिलॉक्स आपकी ये 3 मिनट में हो जाएगी, इनइक्वलिटी आपकी ये 2.5 मिनट में हो जाएगी, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपकी 3 मिनट में हो जाएगी, तो आप देखोगे आप 20 मिनट में अच्छे से पूरा 40 out of 40 अटैम्प्ट कर सकते हो। हाँ, इनमें मिसलेनियस में 1-2 question आप छोड़ सकते हो जिसमें डाउट हो, और प्लीज़ पूरा मत करो, वहाँ तुम्हें अवार्ड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जितना आए अगर थोड़े में भी डाउट हो तो लीव कर दो, छोड़ दो, क्योंकि तुम ऑलरेडी 38-39 कर रहे हो, 1-2 छोड़ दोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, तुम्हारी जेब से कुछ नहीं जाएगा। तो अगर 40 out of 40 नहीं कर रहे हो, 39-38 कर रहे हो तो भी ठीक है, अच्छा है, मतलब तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी बाहर की तुमने 40 out of 40 नहीं करे। जितना है मतलब सॉलिड होना चाहिए 38-39 तुम्हारा। तो अगर हम इतना भी करते हैं 20 मिनट्स में तो इतना इनफ है, इतना अगर आप करोगे तो इतने में आपका पॉसिबल है 40 out of 35 नंबर भी आएगा, और 30 नंबर भी आपका मैथ में आता है, तो आप आराम से उसको क्वालिफाई कर सकते हो। ये मैं तब बता रहा हूँ कि जब आपको आप अपना ही चीज़ कर रहे हो, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, मीन्स जितना आपको आता है, और इस रीजनिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता होगा। हाँ, अगर आपको ये सोचो कि पज़ल में आप हायर लेवल चले गए, आप ग्रेड अप और हॉलीवुड की खूब बड़ी बड़ी एसटी लगा रहे हो और उसके बाद ये पज़ल आ जाती है, तो फिर होता क्या है कि हम इतना ऊपर लेवल जा चुके होते हैं कि नीचे लेवल वाली चीज़ें हमें कभी भी कंफ्यूज कर देती हैं। हाँ, तो ऐसा है, तो मतलब अगर इसमें हमें पूरा अटैम्प्ट करना है तो 1 by 1 करते चले जाएंगे, पजल को छोड़ देंगे और लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे, 40 out of 35 मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। अटैम्प्ट तो 40 out of 40 भी कर सकते हो, लेकिन 35 मार्क्स ईजिली हो जाएंगे। तो इतना हमें क्लर्क में रीजनिंग में इतना हमें कम से कम करना ही। हाँ, और ये भी प्रेडिक्ट करके नहीं जाएंगे इस साल की 40 out of 40 ही करने, क्योंकि पेपर अगर थोड़ा सा भी टफ आ गया तो 40 out of 32, 30, 25 कुछ भी हो सकता है। तो भाई प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं है, आपको वहाँ पर जाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ जितना आपको आता है अगर आप उतना ही करते हो तो आप निकल जाओगे, लेकिन जितना आपको आता है उसका 1 question भी छूटा तो आप रह जाओगे। बस ये है कि आपको रीजनिंग या मैथ आपको क्वेश्चन सबके सब सारे देखने हैं। चलिए, ये तो रही हमारी रीजनिंग की कि क्या हमें करना है और कितने हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं।
अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे आरआरबी क्लर्क की, कैसा असिस्टेंट का कट ऑफ गया है, तो पिछली बार का जो कट ऑफ गया था उसके सभी के मतलब तोता मैना सब उड़ गए थे, ऐसा कट ऑफ गया था। मतलब बहुत ही हायर लेवल पे कट ऑफ गया था, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, लोगों ने 65 अटैम्प्ट कर करके छोड़ दिया था कि अरे नहीं इतने में तो हो ही जाएगा। उसके बाद जब कट ऑफ गया तो मतलब बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। फिर चलिए देखते हैं फिर भी कैसा कट ऑफ गया है। एज यूजल डोपसो स्टेट हाइस्ट इन कट ऑफ मीन्स हमारा पंजाब, पंजाब 72.5 हाइस्ट गया है। उसके बाद अगर कोई है तो हमारा आंध्रा 71.25, बिहार की बात करेंगे तो 62.75 गया था, और उसके बाद हरियाणा 70 गया, राजस्थान राजस्थान गया हमारा कितना 66, और हाईएस्ट कैंडिडेट जहाँ से आते हैं उसका गया 64.75 उत्तर प्रदेश का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें एज अ जनरल कैटेगरी सोच के अपने आप को तैयारी करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हैं तो आपको एज आईआईटीएंस बनकर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका है कि नॉर्मल पढ़ाई से कुछ भी नहीं होना है। अगर आप पार्ट टाइम पे जॉब कर रहे हैं या कहीं कॉलेज स्कूल जा रहे हैं तो प्लीज़ उसको एक दो महीने के लिए स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए, और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाइए अपनी एसटी पर। और एसटी और कहाँ से मटेरियल चाहिए ये सब का सब मैं अभी वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि जो भी पॉसिबल चीज़ें होंगी जो आपको मतलब अच्छे से आप उनसे पढ़ सकते हैं, ज़्यादा उसमें आपको लेवल उतना ऊपर नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम कंपटीशन के चक्कर में इतनी ज़्यादा बुक्स या इतनी ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं कि वही नहीं कंप्लीट होता है। और हमेशा अपने आप को थोड़ा सा स्टोरेज अपना खाली रखिए, भले या दो पन्ने की किताब खरीदिए उसको पढ़ डालिए तो उससे कॉन्फिडेंस आता है मैंने किताब ख़त्म कर ली, लेकिन आप 400 पन्ने की दो दो पन्ने पढ़ेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा नहीं अगर एक भी पन्ना छूट गया तो। तो यही चीज़ें हैं कि हमें इतना कट ऑफ गया है, और इस बार अगर आप प्रेडिक्ट करके जा रहे हो कि आपको 75 अटैम्प्ट करने हैं, 70 अटैम्प्ट करने हैं, 65 अटैम्प्ट करने हैं, तो बिल्कुल गलत। आप सेम वही सोच के जाओ, वही मैंने जो बोला कि जितना आपको आता है आपको उतना करना है, और क्वेश्चन आपको पूरे लुकआउट करने हैं, एक भी क्वेश्चन छूटा वही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वही चीज़ है कि इतना आपको करना ही करना है। तो ये तो रहा हमारा कट ऑफ। चलिए आगे अभी हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, या कहाँ से मैस्ट्री दें और कौन सा मटेरियल हमारे लिए सही रहेगा। चलिए अपना वाइंड अप करते हैं अपनी स्ट्रेटजी को, बस थोड़ा सा लास्ट में डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। मैंने आपको बताया था अगर आपको कैलकुलेशन पे पार्टिसिपेट करना है, मींस आपको कम से कम 25 क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन बेस्ड के आते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो लिंक दे रखी है mentalmathtrainer.com की, इस पे जाइए, क्लिक करिए, छोटा सा गेम है, आपको पेन पेपर लेके बैठना है और पेन पेपर लेकर फटाफट टाइप करना है, सॉल्व करना है, टाइप करना है, सॉल्व करना है, टाइप करना है, सॉल्व करना है। और इसको रेगुलरली अगर आप 1 वीक तक कंटिन्यूअसली एक एक घंटा भी देते हैं, अगर 15-15 मिनट भी देते हैं आप एक दिन में 4 बार, तो आफ्टर अ वीक आप अपनी कैलकुलेशन देखना, क्लास कैलकुलेशन हो जाएगी। बहुत बढ़िया साइट है, छोटी सी साइट है, इसका ऐप भी आता है, आप चाहें तो उसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ के कैलकुलेशन के लिए। अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी एम टायरा, आर एस अग्रवाल, आर एस यादव या महेश मिश्रा ये सब नहीं लगाई है, आपको केवल सिर्फ कैलकुलेशन बेस पे एग्जाम निकलवाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। अगर आप एसएससी की पहले तैयारी कर चुके हैं या बैंक के पुराने स्टूडेंट हैं तो आप पिछली बार से प्री आप निकाल ही चुके होंगे, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे बात करेंगे, हम रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग के लिए बैंक ऑफ सड्डा की क्विज है, अगर आप उसकी नॉर्मली रीजनिंग की क्विज भी दे रहे हो, उसके ऐप से दे रहे हो या उसकी साइट से दे रहे हो, मैंने लिंक दे रखा है, साइट का लिंक है, आप साइट पे जाकर उसकी जितनी भी क्विज है उसके अगर एक दिन में आप 3 क्विज भी लगाते हो तो अभी आपके 15 डेज हैं आपके पास, आप 15 डेज में कंप्लीट कर लोगे, तो इट्स सफिशियंट है। अगर आप और वैसे भी हम जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं वो इतनी ज़्यादा हम लोग अपने अंदर ऐप्स रखते हैं, दैनिक जागरण ऐप, अमर उजाला ऐप, NBT ऐप, द हिंदू ऐप, HT ऐप, मतलब इतने एजुकेशन ऐप हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि मोबाइल है कि नोट पैड है, कि मतलब कि किंडल का ऐसा लगता है कि हम लोगों ने नोट खरीदा है केवल केवल पढ़ने के लिए, और होता क्या है और उसको हम खोल के नहीं देखते, बस हम डाउनलोड करते चले जाते हैं कि अगर पिताजी देखें तो हाँ कि ये इसने मोबाइल किसी पर्पज से लिया है, बात करने के लिए नहीं लिया, केवल पढ़ने के लिए ही लिया। तो ऐसा नहीं करना, लिमिटेड एक दो अपने अंदर अपने पे ऐप रखिए और उस पर हाँ जो भी ऐप रखिए उस पर आप जाइए विजिट करिए उसको पढ़िए, बहुत सारे ऐप आ चुके हैं इस समय। तो अगर आप गर्म बात करेंगे कि अगर आप
मैथ की बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए तो आपको ये साइट पे जाना है, और रीजनिंग के लिए आपको बैंक असड्डा की क्विज देखनी। हाँ, इनकी मैथ की भी क्विज अच्छी आती है, लेकिन इनका मैथ का लेवल थोड़ा सा टफ है, जो प्री के लिए नहीं ठीक है, प्री के लिए उतना अच्छा नहीं है। मैं आपको केवल प्री के लिए बता रहा हूँ कि आपको प्री के लिए क्या करना है, बाकी मेंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा। लेकिन ये देख लीजिए कि मैथ के लिए आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, और प्री के लिए इनके आपको क्विज करने हैं। और हाँ, एसटी इस समय तो मार्केट में एसटी की भरमार पड़ी हुई है, ग्रेड अप है, ऑली बोर्ड है, बैंकर्स अड्डा है, टेक्स्ट बुक है, और स्टडी आईक्यू है, बहुत तमाम एसटीज पड़ी हुई हैं। कोई टैबलेट बेच रहा है, कोई पेन ड्राइव कोर्स बेच रहा है, कोई घर आके दे रहा है, तो कोई आपको घर से उठा के ले आके पढ़ा रहा है। मतलब इस समय तो हर जगह एसटी चल रही है। बस वही है ना कि हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। एक बेसिक सी बात करेंगे, अगर हमें प्री का निकालना है तो प्री के लिए बहुत ही पुरानी है। हाँ, कुछ लोग मानते हैं अब ये बेकार हो गई है, लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आप इसकी एसटी देते हो महिंद्रा की, प्री के लिए मैं केवल बात कर रहा हूँ, अगर प्री के लिए देते हो तो इससे बेस्ट एसटी प्री के लिए कोई भी अभी भी कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है। क्योंकि बाकी जो भी दे रहे हैं उनका लेवल बहुत ही डिफिकल्ट है, आप 35-40 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। अभी थोड़ा सा महिंद्रा ने लास्ट 2-3 एसटीज़ में अपना सा लेवल ऊपर किया है कि आप 45-50 के ऊपर नहीं जा पाओगे, लेकिन बस लेकिन उतना ही इसका लेवल है। और महिंद्रा के एसटी प्री के अकॉर्डिंग इस समय बेस्ट चल रही है। बाकी कंपैरिजन मैंने सारी एसटीज का किया हुआ है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि महिंद्रा के एसटी समय बेस्ट है। बाकी आपको क्या नहीं करना है उसके लिए मैंने आपको बताया, डिफिकल्ट लेवल के लिए जाने की जरूरत नहीं है कि 8 लोग हैं, 8 सिटी हैं, 8 कलर हैं, 8 जगह हैं, तो उनको 8ों को छोड़ दो, उनको 8ों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। केवल नॉर्मल पजल पे जाओ जो चार चार करके आएंगी, 8 लोगों की आएंगी, क्योंकि प्री में उतना ही आना है, ज़्यादा इतना टफ नहीं आना है। ज़्यादा टफ पे जाओगे दिमाग खराब करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए अभी प्री पे फोकस करो। मेंस के लिए टाइम मिलेगा, तुम लोग टैलेंटेड हो, सब निकाल ले जाओगे, लेकिन पहले प्री, जैसे ही जिस दिन से प्री निकलेगा ना, उस दिन से जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, तुम अपना टाइम डबल कर दोगे तैयारी पे। इस वजह से ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल की जाने की जरूरत नहीं है, छोटी चीज़ें मॉडरेट यानी कि एवरेज चीज़ें करनी है, बट थोड़ी सी जल्दी करनी है और उनसे टाइम बचाना है। और एसटीज देते समय एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर आप एसटी दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो आप ज़रूर दो, अगर दे रहे हो तो उसमें करना क्या है ये आप सोच लो कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज आपको ब्लड रिलेशन आता है और ब्लड रिलेशन में आपकी बहुत अच्छी कमांड है, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप देखते ही उसको कर देते हो और आप कर रहे हो, आपको वो एक बार में नहीं हुआ, तो ये मान के चलो उसको आप छोड़ दो, क्योंकि भाई वो भी क्वेश्चन है, वो भी एक साधारण सा क्वेश्चन है, उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उसकी इज्जत करो, उसको मतलब दिल पे मत लो। अगर आपने उसको छोड़ते हो तो अगले आपको 5 क्वेश्चन ईजी मिलेंगे, अगर आपने उसको दिल पे लिया तो वो आपका काम लगा देगा। इस वजह से कोई भी क्वेश्चन होता है उसकी अपनी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी इज्जत करो, अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जाओ, क्योंकि अगर एक जगह हर्डल है तो दूसरी जगह हर्डल नहीं होगा, ये एसटी का रूल है। तो इसलिए जितना भी क्वेश्चन आपको आता है वो स्किप करो जो नहीं आता है, और जो भी आ रहा है वो आप करते हुए चलो, ये सीधा सा फंडा है। और एसटी जैसे समय दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बताई कि मैथ में आपको पहले सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद पजल छोड़ के रीजनिंग पूरी अटैम्प्ट करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले क्या अटैम्प्ट करते हो। अगर आप पहले मैथ अटैम्प्ट करते हो तो आप पहले मैथ अटैम्प्ट कर लो, अगर आप पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करते हो तो रीजनिंग अटैम्प्ट कर लो, ये आप पे डिपेंड है कि मैथ से रीजनिंग जाओगे कि रीजनिंग से मैथ जाओगे, ये आपकी चॉइस होती है, आपको कोई नहीं बता सकता कि पहले मैथ ही करो पहले रीजनिंग करो। हाँ, लेकिन जो भी करना कि इसमें मिसलेनियस छोड़ना है, उसमें मिसलेनियस पकड़ना है, इसमें आपको मिसलेनियस छोड़ के बाकी अटेम्प्ट करके जाना है रीजनिंग की तरफ, इसमें पजल छोड़ के पजल लास्ट पे जाना है। अगर आप ऐसा भी कर रहे हो ना, आप स्किपिंग, अगर आप मतलब क्वेश्चन छोड़ रहे हो, अगर ये मेथड आप सीख गए तो आपका प्री कहीं गया ही नहीं है, और 15-16 डेज बचा हुआ है, आप इजीली आराम से निकाल सकते हो। हाँ, मतलब अगर 15 या 10 दिन के अंदर भी आप तैयारी करोगे तो आराम से निकल जाएगा, केवल इसी मेथड से, स्किपिंग मेथड से। और हर क्वेश्चन को दिल पे मत लेना, वो बेचारा अच्छा सीधा साधा क्वेश्चन है, अगर वो टफ है तो उसको छोड़ दो, उसको कोई भी दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे तुम्हें क्वेश्चन इजी मिलेगा। सो ये तो रही मेरी स्ट्रेटजी जैसा मैंने लास्ट ईयर किया है, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे तो आप लोग का भी इस बार का मेंस में बैठेंगे। और उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक जो मेंस में जाने वाले हैं, आप सभी लोग जाने वाले हैं, और आप सभी अगर मेंस में मिलेंगे, अगर जैसे ही मेंस का रिजल्ट, प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद मेंस का वीडियो दूंगा। और ख़ास करके जो हम ऑर्डिनरी ग्रेजुएट्स हैं, जहाँ पर हमारा मैथ का लेवल उतना अच्छा नहीं होता है, बट एक चीज़ याद रखेंगे कि जितने भी ऑर्डिनरी ग्रेजुएट्स हैं उनके पास एक चीज़ स्ट्रांग होती है, वो है जीए। वो मैं आपको बताऊँगा मेंस के वीडियो में कि हमें जीए में क्या करना है और कहाँ से हमें उसको स्कोर करना है।
चलिए ये तो रहा पूरे स्ट्रेटजी IBPS RRB PO एंड क्लर्क के लिए। अगर आपको इस वीडियो या इस RRB PO या क्लर्क से रिलेटेड मैथ या रीजनिंग में कोई भी डाउट है प्री से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे आपसे वीक नहीं मांगूंगा कि मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ भी मत करिए। अगर आपका जो मैंने कहा है अगर आप वो करिए केवल, उसके बाद जो प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद वो आप पर डिपेंड करता है कि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे। और मैंने आपको जितना भी बताया बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूँ, हाँ बाबा रहमानी लिख के शर्तिया इलाज रखते हैं कि आपका प्री निकल जाएगा। तो इतना काम आपको करना है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मैथ या रीजनिंग में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और हाँ, मेरा जो भी है कि मैंने बहुत सारी साइटें विजिट करी हैं, तो मैं आपको मैटर बता सकता हूँ कि कहाँ की पजल अच्छी है, कहाँ की सीरीज़ अच्छी है, कहाँ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पूछनी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम।